तो दोस्तों आईपीएल 2022 का दूसरा मैच होने वाला है मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में 27 मार्च को। तो आज इस वीडियो में हम लोग दोनों टीम के प्लेयर्स को कंपेयर करने वाले हैं, प्लेइंग 11 करने वाले हैं और प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि कौन सी टीम अच्छी खेल सकती है और कौन सी नहीं। तो वीडियो के साथ बने रहे एंड तक और चैनल को कर दीजिएगा फटाफट से सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेड टू हेड की। तो यहाँ पर टोटल दिल्ली वर्सेज एमआई में हो चुके हैं टोटल 30 मैच, यानी कि 30 मैच खेले जा चुके हैं और जिसमें से मुंबई इंडियंस ने 16 मैच जीते हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने 14। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो बात तो बराबरी की हो गई, यहाँ पर टक्कर बराबरी की है। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई कौन मैच जीतता है अब की बार का। तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन ये मैच जीतेगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर करने वाले प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर एमआई की टीम से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर है कायरन पोलार्ड, जिन्होंने 354 रन बनाए हैं दिल्ली के अगेंस्ट। और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर ऋषभ पंत ने 267 रन बनाए हैं एमआई के अगेंस्ट। तो यानी कि इस मामले में मुंबई इंडियंस थोड़ा सा आगे आ जाती है क्योंकि उनके पास पोलार्ड है और हाईएस्ट स्कोर करने वाला प्लेयर उनकी साइड है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने प्लेइंग 11 की ओर। तो यहाँ पर ओपनर्स की बात करते हुए सबसे पहले एमआई की टीम से ओपनिंग करने आ रहे हैं ईशान कृष्णा और रोहित शर्मा, और दिल्ली की टीम से आ रहे हैं डेविड वॉर्नर और पृथ्वी शॉ। यहाँ पर अगर जो ओपनर्स को कंपेयर करते हुए हम अगर जो बात करें तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई सी टीम बेकार है इस मामले में, क्योंकि दोनों टीम्स के ओपनर्स लाजवाब हैं। मुंबई के दोनों ओपनर ही काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, इंडियन टीम से इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कुछ टाइम से। और रही बात दिल्ली की, बस दिल्ली में थोड़ा सा डेविड वॉर्नर का अच्छा होना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने पिछली बार एसआर की टीम से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, पर मे बी हो सकता है वे इस बार अच्छा खेले क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइम में आ चुके हैं, तो मे बी ये अच्छी फॉर्म में आना इनका ज़रूरी है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ हम कह नहीं सकते, दोनों टीम के ओपनर्स लाजवाब हैं, तो यानी कि ओपनिंग के मामले में दोनों टीम्स इक्वल है। लेकिन यहाँ पर मुंबई का थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, जोरदार चल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं मुंबई की तरफ हम लोग थोड़ा सा मुड़ना चाहेंगे। आप लोग अब बताइए कि आप किसकी साइड जाना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। तो ये तो बात हो गई ओपनर्स की, अब हम लोग बात कर लेते हैं मिडल ऑर्डर की। तो यहाँ पर मिडल ऑर्डर की तरफ से एमआई की टीम से आ रहे हैं सुरेश कुमार यादव, डेविड ब्रिविस, और पांचवें नंबर पर आ रहे हैं टीम डेविड। और दूसरी बात करें अगर जो हम लोग दिल्ली की, तो दिल्ली की टीम से आ रहे हैं माइकल मार्स, ऋषभ पंत और मनदीप सिंह। यहाँ पर मिडल ऑर्डर में तो कंपेरिज करना बेवकूफी होगी क्योंकि सारे प्लेयर एक जैसे ही खेलते हैं जितने भी अभी तक हम लोगों ने देखे हैं। हालांकि इस मनदीप सिंह का ये पहला मैच होने वाला, पर फिर भी हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं लगता कि मतलब दोनों ही टीम के प्लेयर्स बराबर हैं। यहाँ पर कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि ओपनिंग और मिडल ऑर्डर दोनों टीम का बराबर ही रहता है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर अच्छा खेलता है। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पर मुंबई इंडियंस की तरफ ही फेवर जा रहा है, पर फिर भी यहाँ पर हम लोगों को कहना मुश्किल है कि एकदम ही हम अगर जो मुंबई की साइड जाए तो कहना बेकार है क्योंकि दिल्ली भी थोड़ा सा यहाँ पर कम नहीं है। यहाँ पर दिल्ली के मिडल ऑर्डर के बंदे भी सारे अच्छे हैं, यानी कि मिडल ऑर्डर में हम किसी की भी साइड नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर दोनों टीम इक्वली रहने वाली है। अब हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं लोअर ऑर्डर की। तो यहाँ पर मुंबई की टीम से लोअर ऑर्डर में आ रहे हैं कायरन पोलार्ड, संजय यादव और अर्जुन तेंदुलकर। यहीं अगर जो हम लोग बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की टीम से आ रहे हैं रोमन पोवेल, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर। तो यानी कि यहाँ पर तो साफ साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली का लोअर ऑर्डर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जिस हिसाब से रोमन पोवेल खेलता है भाई साहब बहुत ही लाजवाब है, बड़े बड़े शॉट खेलने की इनकी काबिलियत तारीफ है। और बाकी जो दो प्लेयर है वो भी एज इट इज खेलने वाले हैं, उनकी भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, इन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और रही बात मुंबई की, तो मुंबई का लोअर ऑर्डर थोड़ा सा वीक है क्योंकि यहाँ पर क्योंकि पोलार्ड तो अच्छा खेल लेंगे लेकिन अर्जुन तेंदुलकर थोड़ा सा उनका देखना पड़ेगा कि वे किस हिसाब से खेलते हैं, उनका कहना कुछ भी मुश्किल है, उनका मैच में थोड़ा सा डर बना रहता है। तो इस हिसाब से मुंबई के इंडियंस यहाँ पर लोअर ऑर्डर थोड़ा सा वीक है उनका, यहाँ पर दिल्ली की और ज़्यादा सुई घूम रही है। तो उस हिसाब से किसका लोअर ऑर्डर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉलिंग ऑर्डर की। तो बॉलिंग ऑर्डर में मुंबई की टीम से आ रहे हैं जसप्रीत बुमराह, मयंक मरकंडे और टाइमल मिल्स। वहीं दूसरी हाथ अगर जो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बॉलिंग ऑर्डर में सबसे पहले आ रहे हैं कुलदीप यादव, एनरिच नोची और चैतन्य सकारिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस का बॉलिंग ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के आने पर मुंबई इंडियंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मयंक मारकंडे भी काफी अच्छा खेलते हैं, पिछले कई मैच खेल चुके हैं, उनके भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस रहती है। वहीं अगर जो हम लोग दूसरी बात करें तो यहाँ पर कुलदीप यादव को बिल्कुल भी इंडिया की टीम से मौके नहीं मिले और ना ही आईपीएल में, तो हमें पता नहीं है कि वे इस हिसाब से क्या परफॉर्मेंस देंगे क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से उन्हें मौके नहीं मिले, तो उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन जा सकती है।
तो इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस का बॉलिंग ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है रहेगा क्योंकि जसप्रीत बुमराह है उनके पास। तो आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर जो पिछले कुछ मैच कंपेयर करें तो यहाँ पर पिछले 5 मैचों में से दिल्ली में ने 4 मैच जीते और मुंबई ने 3 मैच जीते हैं। यहाँ पर तो दिल्ली की टीम थोड़ा सा आगे रहेगी क्योंकि यहाँ पर पिछली बार प्लेऑफ में थोड़ा ज़्यादा रह गई थी। तो विन परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस का विन परसेंटेज 59% है और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का विन परसेंटेज है 54%। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग प्रेडिक्ट करें कि कौन मैच जीत सकता तो हम लोगों के हिसाब से मुंबई इंडियंस जीत सकते हैं क्योंकि उनका बॉलिंग ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मतलब थोड़ा बहुत उनका हल्का हल्का सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मामला है क्योंकि पिछले बार के परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स के साथ उनका प्लेइंग 11 थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रॉन्ग है। सो बराबरी की ही टक्कर है लगभग लगभग, पर फिर भी थोड़ी सी मुंबई इंडियंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो फिलहाल मैच में ही देखना पड़ेगा कि कौन जीतता है, पर हमारे हिसाब से मुंबई इंडियंस जीत सकती है। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतती है, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन शेयर करना बिल्कुल मत। जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो क्रिकेट से लेटेस्ट न्यूज जानना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को कर देना शेयर। और तब तक के लिए बाय बाय।